आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपनी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी के चलते एक बड़े होने वाले नुकसान से बचा। मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आज आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शहर में एक कमरे का मकान लेकर किराए में रहता था। उस परिवार में दो बच्चे थे। माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर समझदार जरूर थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ाई लिखाई करें, अपने सपनों को पूरा करें। बिटिया लक्ष्मी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी और राजू कलेक्टर बनना चाहता था। लक्ष्मी के बापू सुबह से शाम तक रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिक्शा चलाया करते थे और उनके सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्मी की मां आसपास के घरों में जाकर काम किया करती थी। घरों से काम करके जो उनको पैसा मिलता था वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस पैसे को बैंक में जमा करा देती थी और हर महीने अपनी पासबुक जरूर अपडेट कराती थी और उसको देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जिस सपनों को पूरा करने के लिए वो पैसा जोड़ रही है वो एक कदम और आगे बढ़ गए। ऐसे ही जीवन चलता रहा। एक दिन लक्ष्मी के बापू के एक परिचित जो उसी शहर में रहते थे उनके घर आए और बातों बातों में जब उन्हें ये पता चला कि किस तरह से लक्ष्मी के बापू और उसकी माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, तो उन्होंने लगे हाथों उनको एक योजना बताई जिससे कि 2 से 3 वर्षों में पैसा 3 गुना हो जाएगा। ये सुनकर लक्ष्मी के बापू को अच्छा भी लगा। मन लालची होता है तो थोड़ा लालच भी उनके मन में जागा, और जो आदमी पाई पाई करके पैसा जोड़ रहा होता है उसको ये भी लगता है कि शायद ये थोड़ा और आसान हो जाए अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ना। बहरहाल लक्ष्मी के बापू को पैसे की बहुत ज्यादा समझ नहीं थी और उनको ये स्कीम के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं पता चला। क्योंकि परिचित थे, उन्होंने जब बोला कि ये स्कीम अच्छी है तो उन्होंने उसमें पैसा लगा दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका परेशानियों का दौर। पैसा लगाने के बाद उसकी रसीद के लिए उनको कई जगह चक्कर काटने पड़े, कभी कंपनी के दफ्तर में, कभी अपने परिचित के पास, और ये सिलसिला 5-6 महीने चलता रहा। एक दिन जब लक्ष्मी के बापू कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो उस ऑफिस को वहां पर बंद पाया। जिस डर से वो पिछले 6 महीने से जी रहे थे वो सच हो गया। वो बहुत उदास हो गए, बहुत मायूस हो गए, क्योंकि पाई पाई करके जो जोड़ा हुआ पैसा था वो भी उनकी पत्नी का, वो उन्हें डूबता दिखाई दे रहा था। घर आए बहुत परेशान थे। उनकी ये परेशानी उनके परिवार से छुपी नहीं। बेटे राजू ने बापू से पूछा, बापू क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? ये पूछते ही जैसे सब्र का बांध टूट गया हो, लक्ष्मी के बापू ने अपना सारा दर्द अपने परिवार को बयां कर दिया। राजू ने बोला, बापू मुझे पहले ही थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि कोई किस तरह से 2-3 साल में हमारे पैसे को 3 गुना बढ़ा सकता है। मुझे ये बात जम नहीं रही थी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसमें थोड़ा ही पैसा लगाएं। तो इस तरह से लक्ष्मी के बापू ने एक अच्छी बात की कि उन्होंने पैसा लगाने से पहले अपने परिवार के साथ डिस्कस किया, उनके सुझाव लिए, और उस वजह से राजू का दिया हुआ सुझाव कम से कम परिवार को होने वाले बड़े नुकसान से बचा गया। यह तो कहानी एक परिवार की है, पर आप लोग भी सावधान रहें कि इस तरह की योजनाएं अलग अलग शहरों में, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग नामों से चलती हैं। जब भी आप निवेश करें तो पूरी जानकारी और समझदारी के साथ करें, क्योंकि जो पैसा आपने
पाई पाई करके बचाया है वो यूं ही बेकार ना हो जाए। इस तरह की योजनाओं को पोंजी स्कीम्स कहा जाता है। ये फिर कभी बताऊंगा कि इनको क्यों पोंजी स्कीम कहते हैं। हिंदुस्तान में हर आदमी ने सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेला होगा। सीढ़ी पर चढ़ना सबको अच्छा लगता है क्योंकि हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सांप भी बैठे होते हैं हमें काटने के लिए। और वो सांप सीढ़ी में जो 99 पे सबसे तगड़े वाला सांप बैठा है ना, जब वो काटता है तो दर्द भी बहुत होता है और दुख भी बहुत होता है। तो इसलिए जब भी निवेश करें पूरी सावधानी और जानकारी के साथ करें। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर किसी नई कहानी, फिर किसी किस्से या किसी सच्ची बात लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।